हाँ जी, क्या नाम है इनका? इनका नाम रवि कुमार है, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। जींद हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आए। ओके, हाँ, क्या हो गया था रवि जी? तो आज से 4-5 साल पहले एक फोड़ा हुआ था और फिर वो अपने आप फूट गया और ठीक भी हो गया। फिर 2 साल निकल गए ऐसे धीरे धीरे करते करते, फिर 3 साल निकल गए, चौथे साल पे वो गांठ सी बननी लगनी शुरू हो गई ठीक है। और फिर उसमें से पस वगैरह या पानी वगैरह आने आने लगा। फिर कोई वहाँ दिखाया था लोकल डॉक्टर को, तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी थी, उससे फिर ठीक हो जाता था 2-3 महीने के तो बस लिए। बंद हो जाती थी तो आप थोड़ा खुश हो जाते होंगे कि चलो ठीक हाँ, हो गया, मैंने फिर होम्योपैथी आयुर्वेदिक या एलोपैथी दवाई खाई है उससे ठीक हो गया। पर एक्चुअली क्या है, स्किन का मुंह बंद होना बहुत नेचुरल है। किसी भी फिस्टुला में स्किन सबसे पहले भर जाती है, जैसे स्किन भरती है अंदर गांठ फिर मोटी हो जाती है, फिर फटती है, फिर पस निकल जाती है। हाँ ऐसे ही हुआ था। यही चलता रहता है हाँ, फिर साइकिल। वो 2 महीने और आप ठीक। थोड़े दिन प्रिकॉशन कर लेते हो, कब्ज का ध्यान रख लेते हो, आपको लगता है कि मैं ठीक हो गया, जैसे ही वो थोड़े से भी कब्ज हुई वापस सारा का सारा सिस्टम फिर से शुरू हो हाँ जाता है। जी, जी फिर उसके बाद वो ऐसे ही चलता रहा, दवाई खाओ ठीक हो जाता था, फिर अपने आप कुछ दिन बाद दवाई पस नहीं वगैरह। खाते तो भी ठीक हो जाना था, क्योंकि वो चमड़ी अपने आप ही भर जाती है, छोटे मोटे घाव वैसे ही ऊपर से जितना छोटा है वैसे ही भर जाता है। फिर उसके हाँ बाद इसको वहीं पे जीन में लोकल डॉक्टर को दिखाया था, जी उन्होंने जो है ये डायग्नोस करके कहा कि इसकी एमआरआई करानी है, जी लेकिन हम लोगों के यहाँ छोटी जगह है वहाँ एमआरआई होती नहीं थी, तो फिर रोहतक या हिसार जाना पड़ता था, तो फिर हम गए नहीं। फिर हमने शरीर सोच, इनका कैसा हो गया था? वेट मेरा 5 किलो कम हो गया था, लगभग 5-6 किलो, और बहुत और थोड़ा सा सहमा हाँ अंदर से सहमा मतलब बहुत खराब लगता था। कोई कुछ भी करने का मन नहीं करता था, किसी चीज़ में किसी काम में मन नहीं लगता डरा रहता था। फिर एक दिन इसका ज्यादा सूज गया था, तो ये बहुत परेशान हो गया, वो फूटने से भी ये घबराने लगा। फिर हमने कहा कि चलो कोई नहीं, फिर वो एक दिन फूट ही गया तो दर्द हो रहा था, हमने कहा फिर चलो डॉक्टर साहब को दिखाएंगे। जबकि मैं काफ़ी टाइम से ये 6-7 महीने से सर्च कर रहा था किसी डॉक्टर को कि कोई अच्छा डॉक्टर हो उसको मैं दिखाऊं। तो फिर आपके सारे वो जो इंटरव्यू डाले हुए हैं आपने, वो सारे मैंने देखे उसके ऊपर, तो काफ़ी मतलब अंदर से विश्वास बन गया कि हाँ ये तो सारे मतलब बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, तो मैं भी एक बार चल के दिखाऊंगा आपको। फिर मैं यहाँ पे आया। किसी से और बात भी हुई थी? हाँ, मैंने कई लोगों को फ़ोन भी किया, उनसे पूछा, तो सब ने यही बोला कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर वहाँ जाओ और कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा कर देंगे डॉक्टर साहब। बाकी ये कई फिर लोगों से इसने बात की, फिर जो है आप मुझे भी इसने बताया कि जो है ऐसे ऐसे दिल्ली में डॉक्टर साहब हैं, तो फिर हमने भी देखा तो हमने कहा अब इससे अच्छा तो कोई नहीं मिलेगा। और फिर जैसा हमने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा पाया, और मैं तो यही कहूँगा कि अगर इस तरह की कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर डॉक्टर आशीष जी से ही मिलिए सब लोग, मैं तो यही कहूँगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जितना निश्चिंत हुए हैं, जितना ये डरा हुआ था उसका 10% भी डॉक्टर साहब ने इसको कुछ नहीं होने दिया। घबराहट काफी थी मन में, पता नहीं क्या होगा क्या हाँ, होगा। घबराहट और बहुत थी, बहुत सारे डाउट थे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे ऑपरेशन के क्या क्या बाद डाउट हाँ हाँ क्या क्या होगा। लेकिन वो बस खाली दूसरे दिन थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा सा क्योंकि सर्जरी हो रखी है तो 2-3 दिन ज़्यादा दिख मतलब थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन उसके थोड़ी बाद धीरे धीरे एप्रिहेंशन भी होती है कई बार, सकते पता नहीं क्या होएगा कैसे होएगा, उस हाँ घबराहट ये में भी वो बहुत थोड़ा सा आएगा। ये दिमाग पे भी प्रेशर था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि तो वो जगह वो ऐसी नेचुरल है। है बिल्कुल। फिर धीरे धीरे करते करते जैसे 10 दिन निकले, तो 10 दिन बाद थोड़ा सा ठीक होने लगा मेरा बिल्कुल। और फिर 1 महीने बाद तो मुझे लगने लगा था कि बिल्कुल मतलब 80% तो ठीक हो गया है, कितनी सेटिंग हुई है आपकी? मेरा 1 में ही हो गया है। कितना हाँ, बोला था जबकि मैंने, आपने बोला था कि तीन चार चार बोली थी तीन चार सेटिंग हो आपने, जाएंगी। चार भी हो सकती हैं हाँ, पर चार भी हो कोशिश सकती करेंगे है। कि 1 या 2 में। हाँ, कोशिश और करेंगे तो कि 1 में आपने ही एक हो ही जाए। में कर दिया, तो बहुत मतलब बहुत ही कृपा हुई हाँ आपकी, और हम तो बहुत डरे हुए थे, और लेकिन आपने एक सीटिंग में करने के बाद, उसके बाद ये घर पे कहता है था मैं दूसरी नहीं कराऊंगा, तीसरी नहीं कराऊंगा। तो डॉक्टर आशीष आप लोगों की बदौलत जो है ये बिल्कुल एक ही सीटिंग एक में बार में ही बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ ठीक हो हो गया। गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं और है। मैं बैठ के आया हूँ ट्रेन पे, ऑटो पे,
और कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ खा पी, सब कुछ खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पहले जो कब्ज की कांस्टेंट समस्या वो सब खत्म, कब्ज की प्रॉब्लम सब खत्म हो गई है, सब कुछ बिल्कुल। आपने जनरल इनका देखा, टेंशन फ्री हो गया पहले से? हाँ बिल्कुल, इनके शक्ल ही आपने बदल दी है, ये तो जो है बिल्कुल आपको, मैं तो सोचता, हमने सोचता पहले आना चाहिए था हमको, तो तीन चार साल निकाल दिए कि भाई ठीक हो जाएगा, अपने आप जानकारी भी नहीं थी कि इस तरह से हो सकता है ठीक, या ये भी नहीं, नहीं था कि यहाँ डर के कारण भी आदमी का समय थोड़ा वेस्ट हो जाता है, पर कई जो जब जो समय सही होना होता है तभी काम होता है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जो है उसके बाद फिर कई जगह इधर उधर पता किया, लेकिन हमने कहा तसल्ली नहीं हुई, मतलब तसल्ली नहीं हुई किसी से, जिसको भी देखो वो सब होने के बाद आपके पास आ रहा है, किसी का कुछ किसी का कुछ। फिर हमने सोचा सीधे चलिए भगवान का नाम लेके आपके पास ही चलते हैं, और हमने जो सोचा था उससे बहुत ज्यादा ही पाया, बहुत अच्छा। मैंने तो बहुत कुछ मतलब पता नहीं क्या क्या सोच लिया था क्या होगा, लेकिन उसका 10% भी कुछ नहीं, आराम से निकल गया। ये अप्रिहेंशन बहुत होती है मन, देखो मन तो ऐसा है कि कुछ भी सोच सकता है, तो मन की हर चीज मतलब उससे घबरा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बट हाँ कॉशियस रहना भी जरूरी होता है, तो वो ठीक है, आपने एक वाइज कॉशियस डिसीजन समय के साथ जो लिया, लकीली सारी चीज़ें सही रही आपके केस में, केस थोड़ा मॉडरेटली कॉम्प्लिकेटेड था, पर उसी हिसाब से भी आपका काफ़ी जल्दी रिकवरी होगा। आपसे कोई बात करना चाहता हो आपका नंबर? हाँ मैं अपना नंबर दे देता हूँ, मेरा नंबर है 88-51-57-0-33-2। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ मैं बस यही कहूंगा कि जो है यहाँ बहुत अच्छा है, सारे और स्टाफ बहुत अच्छे हैं। मैंने जब रिपोर्ट देखी इसका, इसकी रेगुलर डिस्चार्ज वाली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने डॉक्टर साहब से सिर्फ एक ही बार इसके बारे में बताया था, तो हम मैंने समझा था शायद भूल गए होंगे, लेकिन उनकी रिपोर्ट में इसकी हमने जो जो बताया था, इसका लीवर सिस्ट का पहले ऑपरेशन हुआ, हार्निया का, वो सब कुछ लिख के आया, जिसका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि डॉक्टर साहब एक एक बात को बहुत गंभीरता से सुनते हैं, और जो है आपको पूरा 100% ठीक करके ही भेजते हैं यहाँ पे। और मेरी यही गुजारिश है सबसे कि जो भी बाहर के हैं यहाँ के, कहीं मत जाइए, यहीं आइए, और अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैंने जैसा अपने भाई के लिए पाया है, मैं सबके लिए वैसी ही आशा करता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो जहाँ ठीक हो सकता हो जाए, बाय चांस कोई नहीं हो पा रहा। हाँ, तो बस नहीं, डॉक्टर साहब इधर उधर धक्के खा खा के अनटैलेंटेड लोग कुछ का कुछ कर देते हैं, फिर हम परेशान हो के इधर आपके पास आए, तो इससे अच्छा हम पहले ही ना आ जाएं, तो हम उस दिक्कत से बच जाएं। बीमारी है कॉम्प्लिकेटेड, ये मुश्किल है, इसको आसान समझना ही सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाए। बाकी मैंने अभी तक इसके तीन ये चौथी सर्जरी हुई है, लेकिन मैंने डॉक्टर आशीष भनोज जी को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट करते और बहुत ही शांतिपूर्वक ट्रीटमेंट करते हुए पाया है, और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, मेरी यही बस आखिरी सब है। थैंक यू जी।